हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तम्मोस किचन। और आज मैं बनाऊंगी पानी पूरी। पानी पूरी बनाने के लिए ली हूँ मैंने ओटाना भिगा के, 1.5 किलो ओटाना मैंने रात में भिगाई थी। और अब इसको हम उबाल लेंगे। पूरा ओटाना मैं डाल लेती हूँ कुकर में। ओटाने को मैं 20 मिनट उबालूँगी, जैसे रगड़ा बन जाना चाहिए ओटाने का। पूरा ओटाना डाल रही हूँ मैं कुकर में। अब मैं डालूँगी उसमें पानी 4 गिलास। 4 गिलास पानी बस हो जाएगा हमें ओटाना रगड़ा बनाने के लिए। अब डालूंगी 1 चम्मच नमक, फिर मैं डालूंगी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, अब मैं ढक्कन लगा के इसको गैस ऑन करके रखती हूँ पकने के लिए। मीडियम फ्लेम पे रखूंगी मैं 20 मिनट के लिए। अब रगड़ा पकने तक मैं बताऊंगी पानी कैसा बनाया जाता है पानी पूरी का। पानी पूरी का पानी अच्छा बनता है तो पानी पूरी खाने में बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए लूँगी मैं ज़ीरा 2 चम्मच, 2 चम्मच लूँगी ज़ीरा। अब मैं लूँगी उसके लिए हरी मिर्चें लूँगी मैं 10 से 12 लूँगी। मेरी मिर्ची थोड़ी छोटी है, आपको जितना तीखा चाहिए आप डाल सकते हैं। आप डालोगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और एक काली मिर्चें ली हूँ मैंने ब्लैक पेपर, 10 से 12 है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें ब्लैक पेपर इसमें। हरी मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं, आपको जितना तीखा चाहिए उतना। और ये धनिया डालूँगी मैं, और ये पुदीना। अब इसमें डालेंगे हम सादा नमक, नहीं डालेंगे काला नमक, जाएगा इसमें पानी पूरी में काला नमक जाता है। ये मैंने ली हूँ 50 ग्राम इमली, इसको मैं भिगा के रखती हूँ थोड़े देर, पहले धो लेती हूँ फिर भिगने रखूँगी मैं। तब तक पानी का मसाला पीस लेती हूँ, इमली मेरी भीग जाएगी। ये काला नमक डाल रही हूँ मैं, काला नमक ही जाता है पानी पूरी में, सादा नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। अब मैं जब तक प्याज चॉप कर लेती हूँ, चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। इतनी बारीक नहीं कटती है हाथ से प्याज, इसलिए मैं चॉपर में करती हूँ। और प्याज बहुत जन पानी पूरी में नहीं खाते हैं, लेकिन हम स्टॉल पे जाते हैं तो पानी पूरी में प्याज डली मिलती है और अच्छी लगती है पानी पूरी खाने में प्याज से। ये चॉप की हूँ मैंने प्याज। अब ये मेरा पिसा हुआ पूरा धनिया मिर्ची पुदीने का देखो चटनी। अब ये डालूँगी मैं पानी पूरी के लिए अलग से तपेले में। और ये इमली को मैं ज़्यादा नहीं रगड़ूँगी, हल्के हाथों से करूँगी, क्योंकि इमली भीग गई है और रगड़ूँगी तो ज़्यादा खट्टा निकलेगा उससे, इसलिए हमें ज़रा सा ही खट्टा डालना है, ज़्यादा खट्टा नहीं डालना है, मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा खट्टे से पानी पूरी में। नमक आप चेक कर सकते हैं कम है या ज़्यादा है। और ये मैंने पानी पूरी रेडीमेड लाई थी, पूरी रेडीमेड लाई थी, और रगड़ा और पानी घर में बनाई हूँ। ऐसा पूरी फोड़ते हैं, और उसमें डालूँगी मैं रगड़ा। अब भरेंगे पूरी हम, ऐसे रगड़ा डालेंगे, फिर प्याज डालूँगी थोड़ी सी, और ये पानी डालूँगी। ये पानी बहुत अच्छा लगता है घर में बना हुआ। और ये प्लेट मैं रेडी कर रही हूँ, ये मेरी रेडी हो गई है पानी पूरी की प्लेट। अगर प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो।